आज मैं एक स्पेशल प्रोग्राम की कवरेज करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार सारस्वत है। ऑलराइट न्यूज़ से मैं आज ये कवरेज करके आप सबको प्रेषित करूँगा। आज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जनपद बरेली की एक मासिक बैठक हुई है, जिसमें माननीय राजेश कुमार सिंह जी ने अपने सभी सदस्यों का स्वागत किया। और मैं राजेश जी और हमारे प्रधान महामंत्री जो हैं उनसे आपका रूबरू कराऊंगा और उन्हीं से जानना चाहूंगा कि उनके क्या क्या कार्यक्रम हैं और पार्टी के क्या क्या उद्देश्य हैं। राजेश जी, मैं आपसे थोड़ा सा पहले मुखातिब होऊंगा कि कृपा करके आप अपना। हम लोगों का जो टारगेट है 2022 को लेकर, जो अभी से तैयारी हम लोगों की चल रही है, इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने ये मीटिंग बुलाई थी। खासतौर से दीपावली आने वाली, दीपावली को हम लोगों को तैयारियाँ करनी है, जैसे टैक्सी लगवानी है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाने हैं, सब पदाधिकारियों को निर्देश किया गया है कि आप अभी से तैयारी लेके चलें। तहसील अध्यक्ष हैं, उनको भी ये बताया गया है कि आप दीपावली कोई बड़ी बड़ी टैक्सी लगाएंगे, उनको ये टारगेट दिया है कि आप कितने कितने लगाएंगे। महिलाएँ भी हमारी आई हैं, बहनें भी हमारी आई हैं, और तो कुछ नई पदाधिकारी आज जुड़ी हैं, उनका हम लोगों ने आज मीटिंग में स्वागत किया, उनका वेलकम किया। इनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप भी पूरी तरह से 2000 का टारगेट लेकर मेहनत करें, अभी से आप लगें। यही हम लोगों की अभी से तैयारी चल रही है 2000 को बात लेकर। राजा भैया को हम लोगों को मजबूत करना, 2022 में राजा भैया को जिता के हम लोगों को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करना, सबसे बड़ा मतलब मुख्य भूमिका हम लोगों की यही है। ठीक आदेश जी, राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे जो प्रधान महामंत्री हैं श्री मनोज सक्सेना जी से निवेदन करूंगा कि वो कुछ अपने विचार रखें। क्या हमारे माननीय अध्यक्ष श्री राजेश प्रताप सिंह जी की अध्यक्षता में आज मासिक बैठक का आयोजन किया गया और उसमें मुख्य उद्देश्य 2022 मिशन 2022 को ध्यान में रखते हुए इस मासिक मीटिंग का अवलोकन किया गया। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजा भैया के आदेशानुसार पार्टी की गतिविधियों को तेज करना, 2022 के मिशन को किस रूप में करना और उनको यहाँ की जिले की हर बात से अवगत कराने का उद्देश्य हमारे जिला अध्यक्ष जी को सौंपा गया है और जिला अध्यक्ष जी ने इसी कारण इस मीटिंग का आयोजन कर, मासिक मीटिंग है और उसमें पार्टी में किस प्रकार की कमियां या किसी प्रकार की कोई भी चीज़ है, पार्टी के प्रसार प्रचार को लेके किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, इस तथ्य को लेके जोर शोर से कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में उत्साह भरने का प्रयास किया गया है और आशा करता हूं हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बहुत ही मजबूत तरीके से कंधा मिला के पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तत्पर हैं और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए हर तरह से प्रचार प्रसार पार्टी को जो सहयोग देना चाहते हैं वो देने का कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया के हाथ मजबूत हों, उनके कंधे मजबूत हों और यूपी सरकार के वो सीएम की सीट पे आसीन हों, इसी उद्देश्य से हमारी पार्टी जोर शोर से कार्य करने का प्रयास। मनोज जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जैसा कि आपकी पार्टी का बहुत अच्छा जनाधार मैं देख रहा हूँ बढ़ता चला जा रहा है समाज में और राजा भैया बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं जो कि गरीब उत्थान के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम मैं अक्सर उनको देखता रहता हूँ और बहुत सारे दूसरे जनपद की भी न्यूज़ में देखता हूँ, तो आपका यहाँ बरेली में क्या कार्यक्रम कुछ इस तरह का एक्टिविटी हैं और आपका क्या मूल जो है? कोविड महामारी के संदर्भ में जो चल रहा है और जब से हमारे यहाँ लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, संगठन और पार्टी के माध्यम से हमने जगह जगह जो राशन व्यवस्था है और व्यवस्थाएं हैं, मेडिकल व्यवस्था है, सबको हर तरह से प्रयास किया है। जो गरीब परिवार के लोग हैं या जिनकी शादियां होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो संगठन अपने धन से और सबको मिलके इकट्ठे होके उसका कार्य को प्रयोजन देके कार्य करता है, जिससे समाज में सुदृढ़ व्यवस्था हो, कोई इस तरह की व्यवस्था ना हो, कोई भी हमारा गरीब परिवार, गरीब भाई बंधु किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, अराजकता का माहौल ना हो, हमारे शहर में हमारे ज़िले में सभी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ये थी आज की कवरेज और बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम पूरा संपन्न हुआ।
इसमें राजेश जी ने सभी का धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया है और इस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए शीघ्र ही बड़ी बड़ी मीटिंग्स, बड़ी बड़ी रैलियाँ और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो बहुत सारे और कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। धन्यवाद। थोड़ा सा हाथ वाथ कुछ उठाते रहिए सब। वी बना लो, वी विक्ट्री साइन। थोड़ा मुस्कुराते हुए चेहरे आने चाहिए साहब सबके। बोलो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की जय। उस दिन मुझे 10 बजे का, 10:30 दो घंटे माता पच्ची खाने में नहीं। हाँ आप टाइम ले जाएंगे क्या? इतने टाइम तक ही बैठना है नहीं।